पिक्चर। अभी बाकी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री की। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक एस एस राजामौली, जिनकी फिल्में साउथ से लेकर नॉर्थ तक अपना डंका बजाने में कामयाब रही हैं। अब आरआरआर के बाद राजामौली एक बार फिर से नई फिल्म के साथ आने वाले हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आइए जानते हैं इस नई फिल्म के बारे में। टॉलीवुड के सबसे यंग और डैशिंग एक्टर्स में से एक महेश बाबू अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी यंग एज को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। उनकी उम्र 48 साल है, लेकिन दिखने में एकदम नौजवान की तरह लगते हैं। अभिनेता इन दिनों एसएस राजामौली की अपकमिंग मूवी एसएसएमबी 29 के लिए जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। महेश बाबू आखिरी बार गुंटूर कारम में दिखे थे, जिसको दर्शकों ने काफी पसंद किया। अब महेश बाबू राजामौली के साथ फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी इस फिल्म का टाइटल अब तक अनाउंस नहीं किया गया है। फिलहाल इस फिल्म को एसएसएमबी 29 नाम दिया गया है। अब इस फिल्म को लेकर एक नई बात सामने आ रही है कि फिल्म में महेश बाबू के एक से ज्यादा लुक हैं, जो सुनने में काफी मजेदार लग रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पता चला है कि महेश बाबू ने एसएस राजामौली की अपकमिंग मूवी एसएसएमबी 29 के लिए कई लुक्स टेस्ट किए हैं। ऐसे में राजामौली ने महेश बाबू के लुक्स को लेकर कड़ी नजर रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में महेश बाबू के किरदार के लिए 8-8 अलग लुक्स को फाइनल किया गया है। हालांकि अब तक उनके किसी भी लुक को रिवील नहीं किया गया है, सभी के सभी अब तक टॉप सीक्रेट हैं। वहीं बात की जाए इस फिल्म की बजट की, तो इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, जिसका बजट 1,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। महेश बाबू के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि पहली बार महेश बाबू और राजामौली एक साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म जंगल एडवेंचर से जुड़ी हो सकती है। फिल्म की स्टोरी माइथोलॉजी से कनेक्ट कर सकती है। हम सब जानते हैं कि राजामौली की फिल्मों का ट्रेडमार्क पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से जुड़ा होता है। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म में महेश बाबू का किरदार रामायण के भगवान हनुमान से प्रेरित हो सकता है। खैर, अभी इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है। हर कोई महेश बाबू की इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हुई ऐसी खबरों के लिए देखते रहें शब्दसाची, और हमारे दूसरे वीडियोस का आनंद उठाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।